सिद्धार्थनगर जनपद के नवागत मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीके अग्रवाल द्वारा मुख्यालय स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नौगढ़ का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने पूरे अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया और वहां पर मौजूद डॉक्टरों एवं स्वास्थ्य कर्मियों से जानकारियां ली। सीएमओ के साथ सीएमओ ऑफिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएमओ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सबसे बड़ी कमी ये है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का चिकित्सालय है और जर्जर भवन इत्यादि के कारण डॉक्टरों को चिकित्सा सुविधा देने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुझे बताया गया है कि इस चिकित्सालय को ध्वस्त करके नया चिकित्सालय बनाने का प्रस्ताव है और साफ सफाई संबंधित दिक्कतें हैं जिन्हें पूरा किया जाएगा। क्या 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 कमियां मिली सर? देखिए, सबसे बड़ी कमी तो यही है कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का चिकित्सालय है और बहुत ही जर्जर अवस्था में है। स्वास्थ्य सुविधाएँ, चिकित्सा सुविधाएँ देने में यहाँ की चिकित्सा बहुत दिक्कत हो रही है। मुझे बताया गया है कि इस चिकित्सालय को डिमोलिश करके नया चिकित्सालय बनने का प्रस्ताव है। इस विषय में हम लोग देखने वाले हैं कि किस स्थिति में है और कितनी जल्द से जल्द उससे कार्रवाई हो जाएगी। तो अगर 50 बेड का नया चिकित्सालय बन जाएगा तो एक शिक्षक कल्याण हो जाएगा। अभी जिस हालत में है यहाँ पे, उस हालत में निश्चित रूप से यहाँ कमियाँ मिलेंगी। साफ सफाई की दिक्कत होगी। मैंने देखा है कमरे में पानी भरा हुआ है, साथ में पूरे कमरे से पानी भर जाता है। ये सब दिक्कतें हैं यहाँ पे, तो उसका निवारण होगा। और हमारे आने का मुख्य उद्देश्य यह है कि आगामी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या स्थिरता दिवस मनाया जाना है, तो उसका शुभारंभ हम इस स्थान से करना चाहते हैं कि यहाँ पे आए तो हमारे जनप्रतिनिधि भी आएंगे और वो हमें हमारे दिक्कतों को भी समझेंगे कि हमारे यहाँ क्या दिक्कतें हैं, और यहाँ से हम जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा का शुभारम्भ करेंगे। तो उसकी तैयारियों के सिलसिले में यहाँ पे आया हूँ। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।